मैं तो जीरो मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं, जीरो मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप जीरो मार्क देना चाहते हो? सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिए। मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर लाल डायरी मिली है, और लाल डायरी मिली है उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा, साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार मदद नहीं करती। मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहां पर, उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहां पर लाल डायरी मिली है, और लाल डायरी मिली है उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा, साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी, उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आ जाएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ, देखो। और एक बार, अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए, तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है, और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना? मैं तो जीरो मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं, जीरो मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप जीरो मार्क देना चाहते हो? और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की, इसको तो मैं जीरो मार्क्स देता हूं, उन्होंने बार बार कहा। तो इसीलिए भाइयों, जो काम हमने किए हैं वो सब आपको मालूम है, और उसके अलावा भी जो आज यहां पर गरीबों को वायदे जो किए थे वो निभाए। तो मालूम है पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं, ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती। और यहां सेंट्रल के चार मिनिस्टर है, कितने है मुझे मालूम नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है, और 25 लोग एमपीज है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से
राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता नहीं, कहां जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और एमपी यहां से चुन के आए, हमारा एक भी एमपी नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है, सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए। लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपी को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिए, उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी कुछ भी नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए तो उसके हाथ में से ग्लास फूट गई, तब गल्ले पे जो बैठता है आदमी पैसा वसूल करने के लिए, तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्ठी गिट्टी नहीं लिखते थे, पुकार के बोलते थे, भाई एक इसम चार आना, दो इसम चाय के आठ आना, ऐसा बोलते थे, अब तो चिट्ठियां वो ये मिलती। लेकिन एक गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया उसके हाथ से ग्लास फिसल गई और फूट गई, तब वो पाप बेचारा डर के वो जा रहा था, तब वो जिस गले पे एक आदमी बैठा था मैनेजर, उसने बोला न खाया न पिया, ग्लास फोड़ा बारहने का, तो पाप बेचारा पानी भी नहीं पिया कुछ भी नहीं, लेकिन ग्लास फूटा वो बारह ने उसको देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे बोल के वो पानी पीने गया था। वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बनाना चाहते हैं, पैसे नहीं, हम गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पैसे नहीं, और यहाँ के जितने भी एमपीज हैं वो भी चुप बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है आपकी नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है, तो आपकी नुमाइंदगी अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिखाना चाहिए। दूसरी चीज मैं सुनता हूं भाई, यहां पर नहर परियोजना एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको मोदी जी ने दो बार वायदा किया था, ऐसा सुना मैं, एक जयपुर में दूसरा और एक जगह उन्होंने दो बार ये नहर के बारे में कहा था कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसे देता हूं, आज तक उसका पता नहीं। लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार इसको कम से कम 25,000 करोड़ तक अपने पैसों से खर्च करके उसको आगे बढ़ा रही है,